आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है गणित 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबका चल रहा था, तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे 41 से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन, जो कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये भाग नंबर 5 है, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए, जिसकी परीक्षा 14 फरवरी से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहते हैं और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबके लिए ही है। ठीक है, और एक लाइक कर देंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम सब देखेंगे 41 से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कौन से चैप्टर के, तो समांतर श्रेणी, जो कि आपका अध्याय 5 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक त्रिभुज का मैंने ऑब्जेक्टिव डाला था, फिर 31 से लेकर के 40 तक समांतर श्रेणी था, 41 से लेकर के 50 तक भी समांतर श्रेणी आएगा, और 50-51 से लेकर के 60 तक भी समांतर श्रेणी ही आना चाहिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं कितना क्वेश्चन होता है। फिलहाल 41 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अभी जो टाइम हो रही है वो बज रही है लगभग 10 बज चुके हैं, और आज मुझे लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप सब भी जरूर पढ़िए, रात भर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। फिलहाल 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और 216 का मध्य पद कौन सा होगा, यानी बीच वाला पद कौन सा होगा। तो एपी है 6, 13, 20 और लास्ट जाता है 216। अब आपको बताना है कि 6 से लेकर के 216 के बीच में जो बीच वाला जो पद होगा, यानी बीच में कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक आप सॉल्व नहीं किए होंगे, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला पद हो गया 6, डी हो जाता है a2 - a1, तो a2 हो गया 13, a1 हो गया 6, तो 13 में 6 गया 7, तो d बराबर हो गया 7। ठीक है, और लास्ट जब फुल स्टॉप हो गया तो ये दिया गया है an। तो सबसे पहले हम सब इस क्वेश्चन में पता करेंगे कि आखिर नंबर कितने हैं, यानी यहां से यहां तक कितने नंबर आए हैं। ठीक है, यानी n हम सबको पहले पता करना है। ठीक है, जब तक पता नहीं करेंगे तब तक आप बीच वाला पद कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो an बराबर होता है a+n-1 × d। an का वैल्यू है 216, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है 6, n का वैल्यू पता है नहीं, d कितना निकला है 7। ठीक है, प्लस 6 इधर आएगा तो हो गया -6, n-1 × 7, ये हो गया 210 बराबर n-1, और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 7 से इसे जब कटा देंगे तो हो जाएगा 30, तो 30 बराबर n-1, 30-1 इधर आया तो क्या हो गया +1, यानी n बराबर हो गया 30 और 1 31, यानी टोटल इसमें कितना पद है, 31 पद है। लेकिन आपको 31 पद नहीं निकालना है, आपको निकालना है बीच वाला पद। तो बीच वाला पद कैसे निकालेंगे, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इस n को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका इस किसमें आएगा 15.5 होगा। ठीक है, यानी 15.5 और फिर से 15.5 जोड़ेंगे तो 31 पूर जाएगा। तो अब नंबर तो पॉइंट में आता नहीं है, तो इसको अगर अप्रोक्स करेंगे तो ये 5.5, 6, 7, 8, 9 अगर लिखा रहे तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये 0.5 खत्म हो जाएगा। तो बीच वाला जो पद है वो कौन सा पद है, 16, यानी n हो गया बीच वाला पद 16। यानी अब हम सबको निकालना है n बराबर 16, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ, ap दिया गया है, an आपका निकालना है जिसमें से n हम सबको निकालना था, तो n तो हमारा 31 आया, लेकिन 31 जो आया तो इस 1 से लेकर के 31 तक जब आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 31 तक जब लिखेंगे तो उसका बीच वाला जो मिडिल वाला जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 16, क्योंकि यहां आ रहा है भाग देंगे तो 15.5 अप्रोक्स में आपको 5 के बदले में 1 इसमें जोड़ देना है, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, तो यानी 16, यानी हम सबको n 16 निकालना है। इसे जल्दी से आप नोट डाउन कर ले, मैं 1 सेकेंड के लिए वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आई होप कि कर लिया होगा। तो n बराबर 16 हुआ, वीडियो रोक के आप आराम से लिख लें। ठीक है, n बराबर 16 याद रखेंगे, अभी आंसर आया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सबको निकालना है n 16, यानी a 16 निकालना है। तो an बराबर a+n-1 × d, तो n का वैल्यू कितना है, 16 हम सब निकाले अभी। a कितना है, a कितना आया था, 6, n हो गया 16, और d कितना था हम सबका, तो 13 में 6 घटाए थे 7, याद कीजिए अभी तुरंत हम मिटाए हैं। ठीक है, 6+16 में 1 गया 15,
6+15 गुना 7 करेंगे होगा 105 और जोड़ेंगे तो होगा 111। यानी 41 का आंसर हो गया आपका सी। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। समांतर श्रेणी छोटा चैप्टर होने के कारण इसके जो मेन क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव में थोड़े चांसेस कम बनते हैं, पर ऑब्जेक्टिव में इसके बहुत चांसेस है कि आएंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से करके जाए। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं और दूसरे क्वेश्चन की ओर अब हम सब बढ़ते हैं। उसे जल्दी से नोट डाउन कर ले। 41 का हो गया सी। चलिए 42 देखते हैं। ठीक है, 42 समझने का प्रयास करेंगे। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज होगी? विभाज मतलब कटना होता है, तो आपको बताना है दो अंक की संख्या 3 से विभाज होगी। पहले तो दो अंक की संख्या शुरुआत कहां से होती है? तो आप बोलेंगे कि 10 से शुरुआत होती है और कहां तक बंद हो जाती है? तो 99 तक हो जाती है समाप्त। उसके बाद तो 100 आ जाता है। 100 में 3 अंक है, 100। ठीक है, तो अब हम सबको पता करना है कि 3 से कितनी संख्या कटेगी। ठीक है, तो आपको पहले ये एपी नहीं है, अब हम सबको एपी निकालना है। तो क्या 3 से विभाज, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज होगी? तो आपको सबसे पहले इधर से ज्ञात करना है। ठीक है, इधर से देखना है कि कौन संख्या विभाज होगी। तो 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद 12। ठीक है, तो 3 से 10 कटेगी क्या? नहीं कटेगी। 3 से 10 नहीं कटेगी। 3 से 11 भी नहीं कटने वाली है। ठीक है, 3 से 12 कटेगी? बिल्कुल कटेगी। ठीक है, तो 3 से जैसे ही 12 चार बार में कटा तो पहला एपी हम सबको प्राप्त होता है 12, क्योंकि 3 का हम सबको जानना है और किसी अंक का तो जानना है नहीं। तो 12, उसके बाद इसमें आप 3 ही जोड़ेंगे क्योंकि 3 से कटा है ना। तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। तो ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो 3 में 3 का सबसे लास्ट इधर से अगर देखेंगे तो ये 99 ही कटता है 3 से 33 टाइम में, तो लास्ट वाला हो जाएगा 99। तो ये 3 का एपी हम सबका तैयार हो गया। 12, 15, 18, आगे 3 जोड़ेंगे 21, आगे 3 जोड़ेंगे 24, तो वही संख्या 3 से कटेगी। अब हम सबको पता करना है कि कितना संख्या, दो अंक की कितनी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, तो a बराबर हो गया 12, d बराबर हो गया a2 - a1, a2 हो गया 15, 15 में 12 गया 3 और लास्ट वाला है an, an बराबर हो गया 99। हम सबको n निकालना है नंबर। ठीक है, तो an बराबर होता है a+n-1 गुना t। एन कितना दिया हुआ है? लास्ट वाला 99, क्योंकि दो अंक का अंतिम संख्या वही होगी। ए कितना है? 12। एन पता है नहीं, डी बिल्कुल पता है, डी पता है, डी 3 है। चलिए 99 प्लस 12 इधर आया, क्या हो गया? -12। एन -1 × 3, अब इसे जैसे घटाएंगे तो हो जाएगा 9 में 2 गया 7, 87, और ये मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इसे कटा दे। ठीक है, तो हो जाएगा 29। माइनस एक इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी एन बराबर हो गया 30। क्या हो गया? 30। यानी 30 ऐसी संख्या है दो अंक की जो 3 से कटेगी। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी। 42 का आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट डाउन करें आप। चलिए 43 नंबर देखते हैं जल्दी जल्दी। आई होप कि इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तेरह और 19 के बीच समांतर माध, सिंपल है। समांतर माध बोला, कुछ भी नहीं करना है आपको। समांतर माध कितना है, किसका किसका निकालना है? 13 और 19 का, यानी 13 और 19 को जोड़ेंगे। चूंकि 13 और 19 टोटल कितना है? दो ठो है, दो अंक ही है ना 13 और 19, तो इसको कितना से भाग कर देंगे? दो। अगर एक और रहता तो 3 से भाग करते, तो 9 3 12, 2 1 3 2 1 1 2 और 3, और इसे जब कटाएंगे तो हो जाएगा 16। यानी समांतर माध क्या हो गया? 16। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 44 नंबर है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, तो 200 प्राकृतिक संख्या का योग 44। तो जब संख्या प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि एक से काउंट होता है मेनली, 1 2 3 4। तो एक से लेकर के 200 तक एक, यानी मेरा एपी क्या बन गया? एपी 1 2 3 4, ऐसे जाते जाते कहां तक जाएंगे? 200। इसमें 200 नंबर है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? संख्या का योग। तो क्या क्या दिया है? ए दिया हुआ है, ए को बोलते हैं प्रथम पद,
डी कैसे निकालेंगे, तो ए टू माइनस ए वन, ए टू है दो आपका और घटाएंगे तो डी बराबर हो गया एक। टोटल नंबर कितना है, नंबर है 200, है ना, क्योंकि 200 है प्रथम, 200 प्राकृतिक संख्या, हमको निकालना है Sn। तो Sn का सूत्र होता है n बाय टू। Sn का मतलब क्या हुआ, Sn का मतलब योग या योगफल होता है, ठीक है। तो n बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और गुना हो जाएगा d, ठीक है। n हमारा कितना है, 200 है, क्योंकि 200 प्राकृतिक संख्या बोल ही रहा है। a आप समझ गए होंगे, एक से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, एक दो तीन चार, मैंने अभी बोला आपको, तो एक हो गया। n पता ही है आपको 200 है। d कितना है, तो d दो में से एक घटाए थे, एक हो गया, दो से ये 100 टाइम्स में कट गया, 100 बार में, तो ये हो गया 100, दो यहां हो गया 199, और 199 गुना एक करेंगे तो वही होगा 199, ठीक है। चलिए अंदर में कैलकुलेट कर देते हैं, तो 2 प्लस 199 199, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 201। तो 199 और 2 जोड़ेंगे तो 201 और गुना करेंगे तो 201 पे डबल जीरो, यानी 20,100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो 44 का भी, 44 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 43 का भी था बी और 44 का भी बी। चलिए 45वां देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये सब पूछेगा और आप सबको बना के आना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा एवं बारहवां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद ज्ञात करना है, ठीक है। पहला पद मेनली ए निकालना है, ठीक है। अब छठा पद क्या होता है, छठा पद, अब इसे भी आज मैं समझा ही देता हूं जल्द छोटे से में। ऐसे में डिटेल जब पढ़ाया था आपको समांतर श्रेणी, वीडियो बना हुआ आप जाकर देख सकते हैं, उसमें आप जानते हैं छठा पद को क्या बोलेंगे। जैसे छठा रहेगा तो आपको लिखना है ए प्लस फाइव डी, ठीक है, क्या लिखना है, ए प्लस फाइव डी। और बारहवां है तो एक कम, डी हमेशा एक कम होगा। बारहवां पद क्या दिया गया है, 25, तो बारहवां पद है 25, तो बारहवां जहां रहेगा, छठा रहेगा, सातवां रहेगा, तो सात रहेगा तो 6 डी देंगे। जैसे यहां 6 था तो 5 डी दिए, 12 है तो 11 डी देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर, उतना लिखना है नहीं ऑब्जेक्टिव में, समीकरण दो में एक को क्या करने पर, घटाने पर, इतना लिख के नहीं बनाना है पर मैं बता देता हूं आप सबको। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1, माइनस माइनस और माइनस दोनों कट गया, 11d में 5d गया, 6d हो गया, और ये हो गया 5 में 3 गया 2, 12, यानी d का वैल्यू हो गया 12/6, कट गया तो हो गया 2, ठीक है। तो d का वैल्यू हो गया आपका 2, क्या हो गया 2, लेकिन d नहीं निकालना है हम सबको, क्या निकालना है a। तो d का मान समीकरण एक में रख दे, तो ये है समीकरण एक, ठीक है। उतना क्या रखेंगे हम सब, क्योंकि हम सबको तो सब्जेक्टिव तो बना नहीं रहे हैं, तो d का वैल्यू कितना हो गया 2, 5 गुना 2 करेंगे 10, a बराबर 13 प्लस 10 इधर गया माइनस 10 तो 3 हो गया, ठीक है। तो a का वैल्यू हो गया 3, जो कि इसका भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 का भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद 46 से 50 नंबर में क्वेश्चन लगाता हूं, ठीक है, जो कि समांतर श्रेणी का ही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर डैश कहलाता है, ठीक है। अब पहला पद और दूसरा पद का अंतर मतलब क्या बोल रहा है, कि मान लीजिए एपी एक मान लेते हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद। तो बोल रहा है दूसरा पद और पहला पद, दूसरा पद और पहला पद, यानी A2 और A1 को कब आप घटाते हैं, जब D निकलता है, और D को हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, 46 का B सार्वंतर, यानी 46 का आंसर हो जाएगा आपका B नंबर, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का दसवां जैसे आ गया, वो क्या है, एन है, ठीक है, एपी पहले लिख लेता हूं मैं, तो 2 है 7 है 12 है, तो a बराबर हो गया 2, a को ही बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, d बराबर हो गया a2 माइनस a1,
तो ए टू हो गया सात, सात में दो हो गया पांच, डी बराबर हो गया पांच, ठीक है, और एन बराबर हो गया दस, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, दसवां पद यानी ए एन हमको निकालना है। तो चलिए ए एन ज्ञात करते हैं, यानी ए टेन निकालना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है दो, एन का वैल्यू है दस, टी का वैल्यू है पांच, दस में एक गया नौ, दो प्लस नौ पचे पैतालीस, अब पैतालीस और दो जोड़ेंगे तो सैतालीस, यानी 47 का 47, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आश्चर्य हो गया, 47 का आंसर 47। चलिए 48 नंबर देखते हैं, फिलहाल आप इसे जल्दी से उतार लें। फोर्टी एट नंबर देखिए, बहुत इजी है, ये सबको सीधा समझ लें। एपी का प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है, क्या बोलते हैं, पहला पद दूसरा पद, या तो है आपके पास ऑप्शन में पद है, यानी 48 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पद। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 49 का भी आंसर हो गया, 48 का बी और 49 का सी, ठीक है, 47 आई होप कि उतार लिए होंगे। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 50वां, अभी 450 क्वेश्चन और देखने हैं इस 5 दिन में, ठीक है। एपी 3 प्लस रूट 2 ये दिया गया है, यानी एपी क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 प्लस रूट 2 दिया गया है, 3 प्लस 2 रूट 2 दिया गया है, फिर दिया गया है 3 प्लस 3 रूट 2, तो ये दिया गया है ना, इसका आपको सार्वंतर यानी डी निकालना है। तो डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, ये ए हो गया, ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ए टू क्या हो गया, ए टू हो गया 3 प्लस रूट 2, ए वन क्या हो गया 3, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट गया, तो आंसर क्या हो गया, डी बराबर रूट 2, डी बराबर रूट 2, यानी 50 का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम सब 10 क्वेश्चन और देख लिए ऑब्जेक्टिव के, ये वैसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और आप सब अच्छे से पढ़ के जाएं और अभी बहुत मेहनत करें और आगे भी मेहनत करें, टेंथ में आपको रुकना नहीं है, टेंथ के बाद भी आप सबको मेहनत करते जाना है, ठीक है, बाकी मेरा जो योगदान है मैं करता रहूंगा। अभी फिलहाल अभी 11 बज रहे हैं रात के, पर मैं अभी कोशिश करता हूँ एक दो वीडियो और डालने का, ठीक है, तो आप सब अगर पढ़ रहे होंगे तो जरूर आप सब जल्दी से ऑब्जेक्टिव कर लें सारा, जिससे आप सबको आसानी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, एक सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, कुछ भी नहीं जाता है उसमें, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, और अभी 10 क्वेश्चन और समांतर श्रेणी के आएंगे, फिर समांतर श्रेणी को हम सब समाप्त कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।